जानकारी प्राप्त करते हैं किस प्रकार से हमें खेत से नमूने लेने हैं। जी हाँ किसान भाइयों, और इसके लिए आप मिट्टी कहीं से भी नहीं ले सकते हैं। मिट्टी जांच के लिए नमूने लेने के कुछ तरीके होते हैं। मिट्टी का नमूना लेने के लिए हमें फावड़ा या खुरपी, एक बड़ी सी पॉलिथीन और एक पॉलिथीन बैग लेनी चाहिए जिसमें हमें इकट्ठा करना है ये मिट्टी। अपना नाम, पता, खेत का नाम लिखने के लिए आपको टैग की जरूरत होगी, पेन की जरूरत होगी और मापने के लिए स्केल की जरूरत होती है। तो चलिए, जो सबसे प्रचलित तरीका है मिट्टी के नमूने लेने का, उसमें अंग्रेजी के वी आकार का एक गड्ढा खोदते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप उथली जड़ों वाली फसल ले रहे हैं या सब्जियां ले रहे हैं तो आप 15 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदें। और ऐसी फसलें जिनकी जड़ें नीचे तक जाती हैं उनके लिए 30 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदें। और बागवानी के पौधों के लिए जैसे कि आम या लीची, उनके लिए 1 मीटर का गड्ढा खोदना होता है। नमूने लेने के लिए गड्ढे के दोनों किनारे से 2.5 सेंटीमीटर मिट्टी को खुरच लें और लगभग 1/2 किलो मिट्टी उस गड्ढे से निकालकर बोरी पर रख लें। और इसी तरह खेत के 8 से 10 जगहों से मिट्टी इकट्ठा करके हमें नमूना तैयार करना है। और अब इस एकत्रित मिट्टी को अच्छे से मिला लें और इसमें से कंकड़ या खरपतवार या अन्य लकड़ियां को निकालकर बाहर फेंक दें। और अब इस एकत्रित मिट्टी को 4 भागों में बांट लें और अब इसके आमने सामने के 2 हिस्सों को हटा दें। और यह प्रक्रिया तब तक करते रहें जब तक मिट्टी 1/2 किलो तक बच न जाए। और अब इस एकत्रित मिट्टी को पॉलिथीन बैग में डाल दें और इस पॉलिथीन बैग में एक टैग डालें जिसमें आपका नाम, आपका पता, खसरा नंबर, पहले उगाई गई फसल, अभी उगाई जाने वाली फसल का नाम डालकर उसे पास के कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय में जांच के लिए दे दें। और जांच की रिपोर्ट आने के बाद उसी के अनुसार हमें उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ ध्यान देने वाली बातें ये है, मिट्टी का नमूना कभी भी गीली जगह से, पेड़ों के नीचे से और उस जगह से ना लें जहाँ पर आपने पहले गोबर या खाद का उपयोग जहाँ पे किया है। जब मिट्टी होगी स्वस्थ तभी तो उपज होगी जबरदस्त।